हरिओम एवरीवन, वेलकम टू द हेड स्टैंड शीर्ष आसन ट्यूटोरियल। आज की वीडियो हमारे तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें हम स्ट्रेंथ सीखेंगे फॉर द हेड स्टैंड, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द हेड स्टैंड एंड द टेक्निक ऑफ द हेड स्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला स्ट्रेंथ फॉर द हेड स्टैंड। स्ट्रेंथ में हमें अपर बॉडी की स्ट्रेंथ चाहिए सो दैट हम अपनी पूरी बॉडी को लिफ्ट कर पाएं अपने शोल्डर्स के ऊपर, क्योंकि हेड स्टैंड का नाम हेड है, हेड से शुरुआत है कि हेड के ऊपर खड़े हो रहे हैं, बट मेजरली हम अपनी शोल्डर्स का यूज कर रहे हैं सो दैट हम पुश कर पाए अपनी बॉडी को ग्राउंड पे एंड वी कैन लिफ्ट अप। स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास दो ड्रिल्स हैं, मैं आपको एक एक बार कर दिखाऊंगी, आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में उसको 10-15 टाइम्स रिपीट करें। फर्स्ट ड्रिल, अपने दोनों हाथों को इंटरलेस करके जैसे हेड स्टैंड पोजिशन में रखते हैं उस तरीके से रखना है। इंटरलेस द फिंगर्स एंड देन कंप्लीटली ड्रॉप ऑन द पाम्स, ड्रॉप द एल्बोज हियर। स्लोली आप एल्बो प्लैंक पोस्चर में आ जाएं। एल्बो प्लैंक पोस्चर वी ऑल नो, एक लेग को सीधा किया देन दूसरे लेग को सीधा किया। मेक श्योर दैट यू आर एंगेजिंग विद योर कोर। सो वी ट्राई टू डू अ पुशअप इन ए एल्बो स्टैंड पोजिशन, ट्राई टू एंगेज योर कोर एंड गो डाउन, टच द नोज टू द ग्राउंड एंड लिफ्ट योर सेल्फ अप, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। वंस अगेन एक्सहेल, टच द नोज एंड वंस अगेन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। सो ट्राई टू रिपीट दिस 10-15 टाइम्स। नाउ सेकेंड ड्रिल। सेकेंड ड्रिल के लिए मेक श्योर सबसे पहले आर्च नहीं बना रहे हैं, चेस्ट को अंदर ले जाएं, एंगेज विद योर कोर, ट्राई टू पुश द नाभि अ लिटिल बिट इनसाइड एंड वी आर हियर एंड हम बैठे बैठे हेड स्टैंड पोजिशन में जाने का ट्राई करेंगे। सो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे वॉल है एंड हमें वॉल को पुश करना है एंड वी नीड टू लिफ्ट अप इन हेड स्टैंड इसी पोजिशन में बैठे बैठे। सो अपनी इंटरलेस करना है फिंगर्स को, मेक श्योर यू डू दैट, देन कम्प्लीटली फिस्ट बना ले एंड देन अपनी एल्बोज को वाइड स्प्रेड नहीं होने देना, अंदर की तरफ रखना है एंड कम्प्लीटली टेक योर हैंड्स बैक। नाउ मेक श्योर आर्च नहीं हो रहा स्पाइन में, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एंड जस्ट पुश करें अपने एल्बोज को पीछे। Now see, you can see my face, but if you have very tight shoulders, then you won't be able to go this much back. So हमें practice करना है ज़्यादा so that हम ज़्यादा पीछे जा पाएं. So हम इस position में आएंगे and then हमें imagine करना है कि हम push कर रहे हैं wall के ऊपर. So we are going to lift up a little bit and we are pushing the wall. Hold करेंगे 10 seconds के लिए and then relax. रिपीट करें अराउंड 5-10 टाइम्स सो दैट आपको वो फीलिंग आ जाए कि जब हम हेड स्टैंड में होते हैं तो होता क्या है। अब जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है तो आपको एक्चुअली अपनी लोअर बॉडी में भी चाहिए और आपकी अपर बॉडी में भी चाहिए। लोअर बॉडी में आपकी हैमस्ट्रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी नीडेड है, अपर बॉडी में अपर बैक की शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी नीडेड है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेक श्योर दैट आप अपनी अपर बैक, अपनी शोल्डर्स और अपनी हैमस्ट्रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर वर्क कर रहे हैं अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में। अदर देन दैट, मैं आपको ईच मसल के लिए एक ड्रिल बता रही हूँ सो दैट आप वो करें एंड यू विल सी मच डिफरेंस, यू विल सी मच लेंथनिंग इन योर मसल। सो हम हैमस्ट्रिंग मसल से स्टार्ट करते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल के लिए वी हैव दिस नर्व्स ग्लाइडिंग। नर्व्स ग्लाइडिंग आप ट्राई करें दैट यू आर डूइंग 10-15 राउंड्स ईच लेग। आई विल शो यू 1-2 टाइम, पूरा ग्राउंड पे आ जाए आराम से, देन बेंड द नीज एंड देन टेक योर वन लेग कम्प्लीटली इनसाइड टुवर्ड्स द चेस्ट। एक पैर कहाँ आया, बिल्कुल कम्प्लीटली अंदर की ओर, देन इंटरलेस द फिंगर्स और यहाँ पर लगा ले, देन इनहेल पॉइंट द टोज एंड सीधा करें अपने पैर को जितना हो सकता है, जितना हो सकता है, इवन इफ थोड़ा सा नीज में बेंड है दैट इज ओके। एंड देन एक्सहेल करने से पहले pull the toes towards you and then come down. You will feel a very pinching sensation in your hamstring. So we do this around 10-15 rounds each leg. Inhale, exhale. Inhale, exhale. You can be fast
or you can be slow. Now second drill for your upper back and your shoulders. हम downward dog position में आएंगे. आप downward dog position में आए, make sure कि ऐसे नहीं है shoulders. Even if आपके पैर नीचे touch नहीं कर पा रहे, doesn't matter. जैसे थोड़ा बहुत flexibility improve होने लगेगी body में, you will see कि आपके पैर touch हो रहे हैं, heels touch हो रहे हैं ground पे. Other than that, ऊपर हैं तो कोई issue नहीं है. आपकी body यहाँ नहीं होनी चाहिए. हम plank posture में नहीं है, हमें push करना है पीछे की ओर और हमें downward facing dog में जाना है. So अंदर push करें and push with your hands. Try to lengthen, elongate your spine. अंदर नहीं जाना, push with your hands and then अंदर की ओर जाए towards your toes and then relax. Once again, completely go inside and hold. Hold for around 15 seconds, 20 seconds. We try to do 5 rounds at least. Downward dog mein complete opening. Try to touch your head to the ground. Andar ki jaye, andar ki aur jaane ka try kare. And touch kare apni head ko niche ki aur. Now next drill, aapki full body, aapke shoulders, upper back aur aapki hamstrings ke liye. आप क्या करें, बिगनर वेरिएशन बता रही हूँ पहले एंड देन आफ्टर दैट एडवांस वर्जन. सो हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आएंगे. आप अच्छा खासा गैप रखेंगे. ऑलवेज स्टार्ट योर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग फ्रॉम चाइल्ड्स पोज इफ यू वांट टू कीप अ गुड गैप बिटवीन द यू नो इन बिटवीन द बॉडी. देन अच्छे से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ गए. देन स्लोली स्टार्ट वॉकिंग फॉरवर्ड. ट्राई करो कि आपके हाथ ही लेना. इफ नीज को बेंड करना है, नीज को बेंड कर लें, डजंट मैटर. एंड जाएं पूरा अंदर की ओर, टच करें अपने चेस्ट को थाइस पे एंड देन वॉक बैक धीरे 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 धीरे, जितना हो सकता है उतना. नाउ इसी में एडवांस वर्जन है जिसमें हम हेड स्टैंड की पोजिशन में आते हैं. इंटरलेस किया फिंगर्स को, एल्बो प्लैंक पोस्चर से हम आ गए डाउनवर्ड डॉल्फिन पोजिशन. सो वहाँ यहाँ पर भी आपको अंदर की तरफ पुश करना है, अपने शोल्डर को अंदर जाना है एंड देन वॉक. पैरों को बेंड कर ले, वॉक बैक एंड देन वंस अगेन अच्छे से पुश करो. ट्राई डूइंग द वॉकिंग फॉर अराउंड 5 to 10 टाइम्स. नाउ लास्ट वन, टेक्निक. टेक्निक के लिए हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, उन्हें ध्यान में रखना है वेन एवर वी आर डूइंग हेड स्टैंड. सबसे पहली बात, मेक श्योर कि पीछे की तरफ वॉल है. जैसे ही ये टाइप जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो हेड स्टैंड हो जाता है, देन गो ऑफ द वॉल. मेक श्योर कि कभी फिर वॉल नहीं लेना. सो द फर्स्ट वन, इंटरलेस द फिंगर्स एंड देन कंप्लीटली ओपन द थंब हियर. ओपन द थंब. First thing first, just interlace the fingers and completely open the palms and then you go down like this. Second thing, make sure ki elbows zyada wide nahi hai. Hame elbows ko andar ki taraf rakhna hai, towards each other. Third thing, hame apna crown of the head place karna hai, jahan par aap hair band pehante hain, not your forehead. Ye place nahi karna niche ki aur, we need to place the crown of the head down. ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड देन थर्ड, क्राउन ऑफ द हेड. ये नहीं करना, क्राउन ऑफ द हेड. नेक्स्ट वन, यू लिफ्ट अप जैसे अभी हमने किया था, बस इस बारी सर नीचे है एंड देन ट्राई टू वॉक इनसाइड. आपके हिप्स जो हैं आपके सर के बिल्कुल ऊपर आ जाने चाहिए एंड देन होल्ड. बट ऑब्वियसली इफ आपकी टाइट हैमस्ट्रिंग मसल है तो ये करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है. दैट इज वाई विल प्लेस ब्लॉक्स अंडर द फीट. नाउ द लास्ट, देन द लास्ट वन, कंप्लीटली वॉक एंड देन लिफ्ट वन लेग अप. लिफ्ट एंड होल्ड. और जो दूसरा पैर है उसको टिपी टोज पे ले आओ एंड होल्ड. Then one day when you feel like, you lift the other leg as well. And we just hold this
सो नो नीड टू टेक दी लेग्स अप. बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलना होता है सर, पैरों को ऊपर की तरफ नहीं लेकर जाना अभी, जब तक बॉडी खुद ना कह दे. सो लिसन टू योर बॉडी एंड वेन एवर योर बॉडी विल से कि अब पैर को ऊपर लेकर जाते हैं, तब ऊपर लेकर जाना है. ऑल राइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. आई होप चीज़ें थोड़ी सिंपल हो गई हैं आपके लिए. एंड इफ आप प्रैक्टिस करेंगे तो डू शेयर योर स्टोरीज एंड टैग आर अकाउंट सो दैट हम आपकी प्रोग्रेस भी देख पाएं. हरिओम एवरीवन, थैंक यू.